हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि मेरा गो टू मेकअप लुक है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोगों ने बहुत बार इस मुझे मेकअप लुक में देखा होगा। तो अभी संडे था और मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर गई थी, तो मैंने ये मेकअप लुक शूट किया जस्ट फॉर यू गाइज, कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं जनरली क्या मेकअप लुक अचीव करती हूँ। प्रोडक्ट्स वैरी कर सकते हैं बट लुक सेम ही होता है। तो सबसे पहले मैं फेस को प्राइम करती हूँ। मेरा स्किन केयर मैंने कर लिया है, तो अभी मैंने प्राइमर के लिए NYB का जो प्राइमर स्प्रे है उसको मैंने लगाया था। देन मैं फाउंडेशन के लिए यहाँ पे लैक्मे का आज यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन इन द शेड 02। बट जनरली ऐसा नहीं होता, जैसा मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैं वैसा करती हूँ। बट येस, एप्लीकेशन बिल्कुल सेम करती हूँ, फिंगर टिप्स की वॉर्म से स्प्रेड करती हूँ एंड देन मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश या फिर आप बोल सकते हैं बफिंग ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इनविजिबल फिनिश पाने के लिए मैं उससे ब्लेंड करती हूँ। बट एक अच्छा बेस आपको बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे मेकअप लुक में मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन सी माई फेस बहुत ज़्यादा बकवास और बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स एंड ऑल। कंसीलर के लिए टुडे आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर इन दी शेड C10 और ये बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत ही अच्छे से कवर करता है एंड इट्स अ लिटिल बिट थिक है, तो हियर एंड देयर नहीं जाता, एग्जैक्टली जहाँ पे आपको कवरेज चाहिए होती है वहीं पे देता है। समटाइम्स आई यूज़ अ मेबलिन वन, समटाइम्स आई यूज़ वेट एंड वाइल्ड, बट ये मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराता, मस्त ब्लेंडिंग भी दे देता है। तो मेरा बेस मेरा जो है ना जब सेट हो जाता है मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैं सब कुछ सेट करने के लिए, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं यही वाला कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द स्टेक वर्क यू 102 आई लव यू 2 शेड है ये। इट्स अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट और आपके फेस को एकदम अच्छे से सेट करता है और थोड़ा मैटिफाई इफेक्ट देता है, सो दैट आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ऑयल आने नहीं देता, बहुत ही अच्छी बात है ये। नेक्स्ट मैं फेस को कॉन्टोर करने के लिए अपना फेस पैलेट यूज़ करती हूँ जो कि मेबलिन का है। समटाइम्स आई यूज़ शुगर ऑल्सो बट दिस टाइम आई एम यूजिंग मेबलिन और इसकी पिगमेंटेशन वन स्वाइप में इतनी बढ़िया मिलती है ना, ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो कॉन्टोर वाला शेड है वो बहुत ज़्यादा डार्क है दैन द शुगर वन, तो अभी मैं अपने जॉ लाइन वगैरह को भी कर रही हूँ। ये ना थोड़ा वार्म्थ आपकी स्किन पे ऐड करता है, बस यही है। मैं ब्लश अप्लाई कभी भी ऐसे डाउन डाउन करके नहीं करती, मैं थोड़ा सा अपवर्ड मोशन में करती हूँ, सो दैट एक लिफ्टेड आपके चिक्स दिखे। तो ये जो है बहुत अच्छी वीडियो आपको, वैसे मेरे वीडियोस में मैं बहुत सारे हैक्स वगैरह बताती रहती हूँ, टिप्स देती रहती हूँ, बीच बीच में एक्सप्लेन आप लोग कहते हो टच वुड की मैं अच्छा करती हूँ, तो बस मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए ब्लश एंड कॉन्टोर करने से कितना अच्छा फेस हो गया, राइट। तो अब मैं आई मेकअप करूँगी और आई मेकअप के लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, स्पेसिफिकली ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ जो डार्कर शेड होता है वो मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करती हूँ। राइट नाउ जैसे मैंने फेस पैलेट हाथ में लिया था, ठीक है, तो मैं उसी को जो कॉन्टोर शेड है वो डार्क है उसमें, तो सबसे ज़्यादा डार्क शेड को मैंने अपने क्रीज एरिया में अप्लाई किया। और जो ब्लश वाला शेड है ना पिंकिश, तो दो इसमें शेड है, एक हाईलाइटर और एक ब्लश, तो मैंने दोनों को मिक्स किया और अपने फिंगर की हेल्प से मैंने सिर्फ लिड्स के इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया। यस, आपने ये बहुत बार मुझे करते हुए देखा है बिकॉज दिस इज़ माई गो टू मेकअप और ये मेरा आई मेकअप बिल्कुल ओपन अप कर देता है, आई लव इट। एंड येस, अनदर माई फिक्स्ड प्रोडक्ट, ये बिल्कुल फिक्स है, सब कुछ डिफरेंट हो सकता है बट ये फिक्स होता है, ये है मेरा आईब्रो पेंसिल मिस क्लेयर वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल इन द शेड 02 डार्क ब्राउन, बहुत प्यारा सा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, एकदम नेचुरल सा फिनिश देता है, ब्राउ पोमेड काइंड ऑफ, और 70 rupees का है। अब मैं स्टेक वर्की का काजल यूज़ कर रही हूँ बट मेनली मैं एली 18 के पास ज़्यादा जाती हूँ, 90 rupees का मिल जाता है इसलिए। और अब मैं NYB का जो आईलाइनर है, यस, ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर आईलाइनर के लिए बिकॉज अभी तक मेरा सारा आईलाइनर ड्राई हो गया है मोस्टली, और उसे मैं लेंस सॉल्यूशन डाल डाल के यूज़ कर रही हूँ। यस, अगेन है एक हैक दे दिया मैंने आपको कि अगर आईलाइनर ड्राई हो जाए तो आप ऐसा करना, बट ये वाला सबसे ज़्यादा ब्लैकेस्ट ब्लैक है, 70 rupees का है, चीप है और मस्त लगता है आपके आईज पे। तो मैं इसे सिर्फ अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, सॉरी लोअर लैश लाइन के क्लोज अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा ना लैशेस पे लग जाता है उसको क्लीन ज़रूर करिएगा, अदरवाइज नीचे में वो टच हो जाएगा तो फिर सब खराब हो जाएगा। तो ये थोड़ा थिक करके लगा रही हूँ और आप देख सकते हो यार एकदम ब्लैक कलर आता है इससे, मस्त सा। अब मैं अपने आईलैश को कर्ल कर रही हूँ, ये स्टेप तो आप हमेशा देखते हैं एंड अगेन, आपको पता है इसके बाद क्या प्रोडक्ट लगाऊंगी, वो है वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, मेगा लेंथ मस्कारा।
मैं बहुत टाइम देती हूँ अपने मस्कारा को लेंथनिंग करने के लिए, बिकॉज मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगता है सिर्फ अपने मस्कारास के लिए। अगर आप काजल नहीं भी लगाओ ना, मस्कारा आपको लगाना ही चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जो आईलाइनर वाला इफेक्ट है वो मैंने लोअर लैश लाइन पे दिया है, अपर लैश लाइन पे इसलिए नहीं दिखा बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा मस्कारा अच्छे से पॉप हो। अभी इससे ही मिलता जुलता एक मेकअप लुक मैंने आप लोगों के साथ वेडिंग सीजन में शेयर किया था, अभी जल्दी ही, मतलब 2-3 वीडियो पहले ही डाला था मैंने वो वीडियो, आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप ऐसा करते हैं, आईलाइनर स्किप करके सिर्फ मस्कारा लगाते हो, तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से दिखेगा, लैशेस बहुत अच्छी दिखेंगी। अब मैं शुगर की मिनीज जो लिपस्टिक है उसका मैंने रिव्यू अभी तक नहीं किया, करूँगी गाइस सॉरी। तो उसका ही मैं 03 शेड ले रही हूँ, और मैं ये मुझे बहुत प्यारा शेड लगा, ये टैन फैम है 03, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये शेड। और इसी से मिलता जुलता एक मेबलिन का शेड है 50 है और ये फाइनल लुक गाइज, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कोई भी स्टेप पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और उसे अपने लाइफ में शामिल करेंगे तो फोटो ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी में शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं सोनाली, मिलती हूं आपको अपने अगले नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।